काटे। तो दोस्तों इनके 5000 में से 2500 ही रुपए आए हैं, इनके 2500 रुपए काट लिए हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इनके जो 2500 रुपए उनको दिलवाई जाए भाई, ये बहुत दुखी थे हमारे पास आए इसलिए हमने किसके साथ वीडियो बनाई। तो इंद्रेश जी ये देखो ऊपर बोलो क्या तुम लोग जो नई नई मिली है और इंद्रेश जो बनते करो साहब बहुत दूर की। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में और अभी हमारा थंबनेल रेडी हो रहा है और देखते हैं कब तक टाइम लगता है थोड़ा सा, फिर हम जाएंगे हम अपने खेत पर जहाँ पे हमारा गांव का जो नरेगा है वो चल रहा है। तो अभी हम अपना जो थंबनेल है वो क्रिएट कर ले दूसरे चैनल के लिए जो हमारा चैनल है अंशु सर के टिप्स के लिए। तो हम इसको चलो थंबनेल के बाद मिलते हैं और दिखाएंगे आपको कि कैसा थंबनेल बनता है। तो दोस्तों हमारा थंबनेल हो गया रेडी, तो देखिए यहाँ पर हमारा थंबनेल हो गया रेडी बिल्कुल और हमने अपने मोबाइल में भी डाल लिया है। तो फिर चलते हैं हम अपने खेत पर। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं खेत पर क्योंकि गांव में बहुत सर्दी है, तो हम अभी खेत पर जाएंगे और आँच जलाएंगे तापेंगे वहाँ पर, और अनु जी हमारे हैं साथ में। तो कुछ बताओ अब क्या बताए हम कुछ बताए आप यहाँ जाएंगे और ताले गाए नरेगा और उन्हें बैठे जाएंगे ठंड बहुत है आज भाई साहब मजाक ना कर रहे हैं भाई साहब नरेगा और हो बहुत मजा आएगा होता सब लोग आएंगे सही बता रही कोको है अरे बहुत लड़का है यार ईदू है हमारे से मैं रबी भाई है बहुत रबी। अच्छा तो दोस्तों ये हमारे गांव का तालाब है, पहले हम इसमें बहुत नहाया करते थे लेकिन अब इसमें इतनी गंदगी है और यहाँ पे इसकी सफाई भी बिल्कुल नहीं हो रही है। अब इसमें तो भैंसे भी नहीं आती। हाँ इसमें अब भैंस भी नहीं आती है क्योंकि इसमें कांच और पन्नी यानी बहुत इंस्ट्रूमेंट डला है इसलिए नहीं आती है पूरे कब्जा कर ले पूरे। तो हेलो भाई लोगों हमारे इधर देखिए नरेगा हो रहा है और हो चुका है इधर तो और स्मार्ट आगे भी नरेगा हो रहा है। तो हेलो गाइस वेलकम बैक न्यू व्लॉग क्या बोलना आगे तुम बोल दो आप। अच्छा आ गया मैं बोले अच्छा तो आगे भाई नरेगा हो रहा है मैं वहीं पे जा रहा हूँ इधर तो देखिए नरेगा हो चुका है कितना बेहतरीन नरेगा हो चुका है देखो इधर इतना साफ है पहले तो इतनी गंदगी थी बहुत इधर देखो भाई लोगों और वो हमारे YouTube चैनल के सर जा रहे हैं वो देखिए बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ मैं बैक कैमरा तो होगा नहीं क्योंकि वीडियो चल रही है ब्लॉग बनना है हमारे इधर नरेगा चल गया देखो जो इधर मतलब कंडे अंडे पत्ते थे वो हटा दिए गए इतनी देखो रह गए खाली और इधर बिटिया लगा था वो भी उखाड़ के फेंक दिया गया है। ये हमारे YouTube चैनल के सर हैं तो इनका चैनल है द हर्षमैनपुरी तो इस चैनल पे देखकर जाइए किस कैसी कैसी वीडियो डल रही है और क्या बोलना चाहते हैं अपने वीडियो के लिए। और वीडियो के लिए कुछ नहीं आप मन हो तो देख लें वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा तो आइए हम क्या लाइक करें या शेयर करें मन हो तो कर दें वरना कोई जान जबरी वाली बात तो है नहीं। अच्छा चलो हम सब्सक्राइब भी करें हैं और लाइक भी और देखो शेयर भी करेंगे व्हाट्सएप पे आपकी लिंक क्योंकि ऐसे खेत हैं भाई साहब जैसे कहीं क्या बताऊं जैसे विदेश में नहीं होते हैं भाई ऐसे खेत हैं इधर। और पानी देखिए इतना बेहतरीन पानी है भाई साहब बम्बे का पानी आता है और ये बम्बे का पानी है तो भाई साहब इतना यही पानी हमारे खेतों की तरफ लगता है। और देखिए ये हमारे आम का पेड़ है ये हमारे आम का पेड़ है इतना बेहतरीन आम का पेड़ है कि भाई साहब ऐसे आम आते हैं भाई साहब यहीं से गाड़ी लोड होती है यहीं से देखिए ये भी हमारा आम का पेड़ है वो भी है उधर दिखाइए सर ये भी ये हमारा सब आम ये हमारे सब आम के पेड़ है। देखो ऊपर बोलो हाँ बताओ कुछ क्या बोलना चाहते हैं कितना काम मिलो तुम्हें नाप के जा बताओ नाप के दो लोगों को 8 मीटर मिलेगो 8 मीटर कितना होता है जानते ही ना ये बताओ लंबाई दूरी कितना दूराई दूराई वो देखो वहां तक कहां तक अरे तैयारो आगे वालो हां वो इतना दूरी और मिलते कितने हैं अब वैसे तो दो होने चाहिए अब मिलते तो करना पड़ेगा 200 रुपए देते हैं बस बताओ जगह कितनी कहाँ मिली है तुम्हें जगह कितनी कहाँ मिली है जगह
बंतक तो तुम्हें सही मिली है साहब से इंद्रित जाकर हमें ज्यादा मिली मुझे कम मिली है ऐसा तो सही है मुझे दोस्तों मनीष की शादी होने वाली है और आप लोग जरूर आना एक बार क्या तुम लोग मुझे नैना की मिली है हैं और इंद्रित जान जो बनता तू करो साहब बहुत दूर की हैं गलत बात है जा तुम्हारी यार बुला ले बुला ले भाई भाई उधर नप गई हमारी थी सब यार मट्टी रहता का तू भूता कर रहे हो खेत नहीं इधर बच्चा सेटिंग कर ली सेटिंग सेटिंग कर ली बच्चा ने अच्छा जा रहा है तेरे का पे मां लड्डू फूटा तो ही कुछ है को जू जू कलुआ है कलुआ एक है चौधरी का आज बर्थडे है अच्छा तो क्या बोलना चाहते हैं ब्लॉग में आप कल्लू कल्लू एडम कलुआ भाई साहब देखो चेहरा कितना बेहतरीन चेहरा देखो जो ब्याला है वो है अगर कोई हमारा कोई ब्याह करवा दीजिए कृपा होगी एक दिमागर गड्ढा भर गया को और प्रशांत दस बात रहो है अच्छा टूटनू मेरे को थोड़ा सा इन पे देख लीजिए ध्यान टूट टूटी बचा दादे करो जाके सेटिंग एटिंग करवा दे यार हाथ तक काम चला रहे देख रहे हो कितने पत्र होएगा वो मोटो तो पूरे जा रहे हैं एक हम देख ही लियो तुम सब लोग ठीक है हाँ सिक्स पैक आते ही आ गई सब कहा हो गई अब मत दिखा बात दिखा तुमने कहा दिखा दिखा एक सिक्स पैक दिखा ना ऐसे ही दिखा ऐसे कैसे दिखा सब लोग देखे ना हम देखे और लोग देखेंगे तुम ले जाएंगे तुम ना बादल एक एक हाथ की ले ली बाइक फल मिल लो को रविंद्र बाबा घर हाँ तो ना मैं एक आन लगी तुम्हें आने में ये कहीं लिन नहीं लगी दो कौन हमारे भाई कहीं घासी ना आती तो घास अबूना भी नहीं थी प्यार है तो ऊँ नहीं कर पिया नहीं कर दी इधर लगो वही कर पिया अब बात जाके देखा रही है पूरे दो नहीं करें तुम्हारा डरेगा वो चुप होएगा हाँ करेंगे आई पिछले जब दो एक टाइम चंद्र को दबा कर दो मैं पूछले ना पूछले गड्ढा में गलरा तो मैं गड्ढा में करने पर ही अभियान देखो तुम्हें दूसरे
सब्जी में मार रहे हैं आप ना रहेंगे जी प्रीतिक भैया लगे हुए ब्याह शादी के रुपया जोड़े के ने कि ब्याह शादी के रुपया जोड़े के अभी रखे तो पांडे गर्मी में कर रहे हो एकदम दो जना और रुक जाओ दो सबकी कर कर व्यवहार बुला रहे हो तो दोस्तों आपने देखा कि लोग कितना ज्यादा काम कर रहे थे और सिर्फ 200 रुपए मिलते हैं इसके 214 रुपए मिलते हैं 213 रुपए मिलते हैं दोस्तों खाली बस ठीक है और वो भी क्लियर नहीं होता कि आपके रुपए आ जाएंगे खाते में कभी कभी क्या होता है कि हमारे वो पास ही नहीं होता है तो हमारे रुपए नहीं आते हैं तो दोस्तों इनके 5000 में से 2500 ही रुपए आए हैं इनके 2500 रुपए काट लिए हैं तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इनके जो 2500 रुपए उनको दिलवाई जाए भाई ये बहुत दुखी थे हमारे पास आए इसलिए हमने किसके साथ वीडियो बनाई तो दोस्तों हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक करना है और शेयर करना है और कमेंट में बताना है कैसा लगा आपको ब्लॉग और अभी जा रहे हैं घर पे तो इस ब्लॉग की हम मीटिंग करेंगे और कल तक आपको ये मिल जाएगा कल या परसों मिल जाएगा आपको तो आपने देख लेना ठीक है अपने हिसाब से जो भी करना है सो कर लेना।